Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. तुमसे ज़्यादा यकीन है मुझे हमारी मोहब्बत पर। तो तुम मुझे इनडायरेक्टली ये बात समझाना चाह रहे हो कि मुझे तुम पर यकीन? प्यार करता हूँ तुमसे जिया यार, क्यों नहीं समझती उस बात को? अगर मुझसे प्यार करते हो तो हमेशा वही हरकतें क्यों करते हो जिनसे मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है? ना, नहीं पसंद है बदनसीब खान। ओ खुदे फक, ओ जिने दाजी, हमारी मीना का दिमाग इसने खराब किया, इसने, ताकि अपने ससुराल वालों से रिश्तेदारी गहरी कर सके। खुदा ना खास्ता किसी गिरे पड़े खानदान से ताल्लुक तो नहीं है हमारा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम दोनों की वजह से। अरे नहीं, क्या हो गया जिया? देख, इंसान से ना कभी कभी गलती हो जाती है। हम लोगों ने भी गलत फैसला कर लिया, पर अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि लकीर पीटते रहे। सर झुका के आगे निकल जाना चाहिए। देख जिया, तू हमारी नू ना सही, इस घर की बेटी तो हमेशा रहेगी। और सल्लू का क्या है, उसके लिए तो मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ सोच ही लूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, पैकिंग कर ली तुमने? नहीं, अभी नहीं की। ताया पा, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं बेटा, ये संभाल लो, ये तुम्हारा यूके का टिकट। हैंडब्रेक तो पकड़ लो जिया। कब का है पा? संडे को। 4 दिन बाद? अरे भाई, ये दिनों का हिसाब किताब तो लोग आपस में कर लो, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुट्टा। नजर ना गई जैसे इस दोस्ती को, थी गुड़िया दीवानी, था गुट्टा दीवाना। सुनो चन्ना, इस लकीर पर सीधा चलती आएगी जिया मेरे पास, लगाता शर्त। लग गई सल्लू भाई, बोतल बोतल। बेबे दर्द हो रहा है। हाय हाय, अभी चला जाएगा गोली तो। क्या हुआ मिट्टू को? हाय, अभी जान देखे ना, खजूर की गिटक की तरह शक्ल निकल आई है मेरे बच्चे की। तो इसने भी तो रो रो के नदियां बहा दी, बुखार तो होना ही हुआ ना। ये सारा का सारा कसूर ना उस मैना की फूलन देवी माँ के इनकार का नतीजा है। रो रो के कमला हो गया मेरा मिट्टू। क्या इतनी फिक्र क्यों करती हो? मान जाएगा दरिया खान। कब कहेगा हाँ? मेरे पुत्र की हालत वेख के ना चंगेज खान को भी तरस आ जाए। बुला लूं? बुला ले। आइए आइए। वालेकुम सलाम। आइए आइए तशरीफ। मुमताज बेगम, आपने हमको याद फरमाया जी। वो दरिया खान, आज हमें आपसे साफ साफ जवाब चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप कौन कैसे साफ साफ जवाब दे सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हाँ है? वो हाँ भी कर देंगे, लेकिन
देखिए अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं तो फिर मसला क्या है। और जरमीन बोल, तुम भी कैसी माँ हो कि अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रही हो। बीजाना ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल नसीब खाना के। क्यों अपनी बच्ची का नसीब बनाने पर तुली हुई हो। देखिए दरिया खान, हमें आज ही और अभी के अभी आप जवाब देंगे हाँ या ना। शमशीर खाना का फोन है। हाँ शमशीर खाना, क्या हो गया तुमको? मैं ना तो बच्चे, उसको अकल किधर है? तुम तो समझदार है, तुम तो ख्याल करो। ओ तलीवनी शुखनी जिप लारिन फैसला बजे कौन करे आगे सारा चिंग चिंग की। अच्छा अच्छा, जो तुम सबका फैसला वही हमारा फैसला। उमदा खबर कौन कर। या अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार, अल्हम्दुलिल्लाह तूने हमको सुरखरू कर दिया है। कुछ आप हमें बताएंगे कि आप लोग क्या बात कर रहे थे पश्तो में? वो मुमताज बेगम, आप हमारे तरफ से तो हाँ समझो, मतलब हाँ समझो, पिशावर में शादी का चांद नजर आ गया है। मुबारक शाह, मुबारक शाह। आपको भी बहुत मुबारक हो। चले जाके जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। हर एक लम्हे मैं तुम्हें बांध लूंगा, न किस्सा करूंगा न बातें बनेंगी। सुनो चंदा कहो चंदा कहो चंदा। छन्नो छन्नो छन्नो, आई अंदर बिनो, मैं इधर हूँ, क्या हो गया है? छन्नो हाँ, वो जो जलाल का पीपे दे मुंह वाला दाजी है ना, हाँ हाँ, उसने ना मैडा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो तुझको। वो भाभी जी, ये पीपा क्यों? अरे जलाल भाई जन, हमारी पंजाबी जुबान में ना पीपा बड़ी चंगी शय को कहते हैं, पर आप ना उस पर डाल दे मिट्टी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। देर मेहरबानी शाना भाभी, देर मेहरबानी। वो परिचय देखो, हमने तुम्हारे लिए सर धड़ का बाजी लगा दी। रहने दे जलाल भाई जन, आपका सर धड़ से जुदा होने से ना हम लोगों ने बचाया है, अगर आपके दाजी को नकली आ गया। चुप शकरा भाभी, चुप शकरा। देखो दाजी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगा, वो परिजान से पूछो कितनी मुश्किल से आ गया उसने। ये तो है अम्मा। हाँ जी, आई सलू पुत्र, बुझ क्या हुआ, बुझ क्या हो गया? जो पता है मैना और मिट्टू का रिश्ता पक्का हो गया है। दे मुबारक। मुबारक हो पापा आपको, मुबारक हो खाला। ढेर मेहरबानी दे असल जान, ढेर मेहरबानी दे। सुन पुत्र, तूने और जिया ने ना खूब ठुमके शुमके लगाने हैं, मेरे पुत्र का ब्याह है आखिर, अब चंगे से कपड़े बनवा लेना। वो जिया तो लेकिन जा रही है चार दिनों बाद। पीड़ा ताजे ही तो मुझे याद ही नहीं रहा, भी जान से जाके कहती हूँ मिठू और मैना का निकाह जो है ना फौरन खड़का दे। ऐ हुई ना गल। अम्मा मैं जिया की मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, उसकी तबीयत नहीं ठीक, आप सूप बना दे प्लीज। हाँ पुत्र, जब चुंजे लड़ाते हो ना तब भी एक दूसरे का इतना ख्याल रखा करो, आजकल तो इन दोनों की लाडलियाँ इतनी खत्म हो रही हैं। मैं बना देती हूँ उसको सूप, पहले ना मैं जरा बीजान से जाके बात कर लूँ। अब तुम भी अपना वादा का पास करो। जलाल काम खत्म, पैसा चल। मेरा न फूगम, मेरा समझ में ये नहीं आता है मुमताज बेगम की ये जो निकाह है ये तीन दिन में कैसे होएगा? मैंने आपको बताया है ना, मेरी बहू बाहर जा रही है इतवार को। तो यूं भी निकाह तो 15 मिनट में हो जाता है ना, मसला क्या है इसमें? कैसे बात कर रहे, वो पूरा पिशावर को बुलाना है इस शादी के निकाह की तकरीब में हमने।
जी खान साहब, कोई सियासी जलसा हो रहा है क्या? वल्लाह दरिया खान, देखिए बच्ची का बाप तो है नहीं, तो जो उसके पांच छह भाई हैं आप उनको बुला लें और सादगी से निकाह कर देते हैं। रुखसती जब बच्ची एमए कर लेगी उसके बाद। ओ खाना, सही बोलते। मुझे बिना जी कोई मसला नहीं है, पर देखें वो निकाह खड़काने के बाद ना आपने मुकरना शुकरना नहीं है। वो परेशान परवीन साहिबा, हम पठान लोग हैं, ये हमारा दाजी बैठे इधर, एक जबान है हमारा, हम अपना जबान देखकर मुकरता नहीं है, क्यों दाजी? हाँ रिश्ते खबर है दयाला का। ठीक है खान साहब, वैसे आगा जी आप ना किंजा और शरी को भी बुलवा लें। बुलवा लें, वो चीचू की मलिया में नहीं रहते, लंदन में रहते हैं, अगली बस पकड़ के आ नहीं सकते, पता नहीं फ्लाइट मिलती है या नहीं मिलती। क्यों हो गया आगा जी, खुशी का मौका है, बतेरा पैसा है आपके पास, अर्जेंट बेसिस पर टिकट कटवा के कल ही बुलवा लें उन्हें। शाहजहान परवीन बिल्कुल ठीक कह रहे, बुला लो बच्चों को। दरिया खान तो फिर आपकी तरफ से फाइनल है? मुमताज बेगम, जब आपने सब कुछ सेट कर दिया है तो मैं आपको कैसे अपसेट कर सकता है? ओ सरवे नगुले सिवे भैया, दाजी जो भी आप फैसला करेंगे हमको मंजूर है। मुबारक हो, मुबारक खेल वादा खुने दी। मुबारक आपको मुमताज बेगम, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। वैसे ये सब कुछ जो हुआ है आपकी वजह से हुआ है। पता नहीं क्यों इतना अरसा मैंने बोझ पाल के रखा अपने दिल में। आई एम सॉरी। परवीन बेटा, बहुत पुराना हिसाब आज हमने चुका दिया, अब तुम भी अपने दिल में कोई बात ना रखना। नहीं जी, कभी भी नहीं। आपके यहाँ कोई ढोलक मोलक का रिवाज नहीं है? खाना क्यों नहीं जी, मेरे पुत्र का ब्याह है, क्यों खा साहब मंगाओ ना ढोल शोल हैं, रोला रप्पा लगे। क्यों नहीं जी, मेरे पुत्र का ब्याह है, क्यों खा साहब मंगाओ ना ढोल शोल हैं, रोला रप्पा लगे। आओ खाना। दाजी हाँ जी, थोड़ा बहुत झूमर तो बनते हैं। ये थोड़ा बहुत क्यों, ये दरिया खान के घर में शादी बहुत झूमर होना चाहिए। मुबारक हो। मैना जी, मैं नहीं कहता था बेबे नू इजी नहीं लेना। युतर लेवाने युस्ता मोड़ लेवाने दा। खैर अब इस बात में बेबे कहाँ से आ गया? मैना जी मैं बताता हूँ आपको, बेबे ही तो है जिसने भी जान के दिमाग में ये आइडिया फिट किया था। हाँ और अब मैं बताता हूँ आपको, मैं ही तो था जिसने अपनी बेबे से मारे काया था। मैना जी मोहब्बतों में ना थोड़ी थोड़ी कुर्बानियाँ तो फिर चलती हैं। लगा एक कुर्बानी तुम भी देगी, हम एमए उर्दू के बगैर रुखसती नहीं करेगा। मैना जी आप कहती हैं तो ठीक है। होते और मैं भी तब तक ना कराची से कुछ 6 महीने का इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करके आ लूंगा। हाँ, तो फिर इस बात पे दे ताली। मैना जी लो ताली ते नाल ताड़ा फेवरेट बिस्कुट ऐ लो। और मैना जी रहन दो, आपसे ना हो पाएगा, मैंने देखा है हमेशा। राका कना और मैना जी मैं खिलाऊंगा आपको। कुलकाना कपूर, अस्सलाम वालेकुम। वो गुलकाना, थैंक यू, स्टडी रे मेरे बानी, आपका ये एहसान नहीं भूलेगा हम कभी भी। मोरे ठीक है मूडम सईदा, वो मूड ठीक है, बात करेगा। हाँ हम अभी कराता है बात। नूर हुआ वादा की राजी करना। मुरेदा वो
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए 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 बैठिए। सुख हुआ अकेले बैठे, मेरे को बुला लेते। वैसे मुमताज बेगम जी, जी फरमाइए। हमने मैना का रिश्ता सिर्फ आपका वजह से किया है। आपकी बड़ी मेहरबानी। ये आपका हुसन अज़्ज़म मतलब दी कि आपका उसने सुलूक को देखते हुए हमने एक फैसला किए, मुमताज बेगम की जलाल खान को वाक करने का फैसला हम वापस ले गए। अरे दरिया खान, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। वैसे अपने कुछ अपने बारे में भी सोचे कि नहीं? अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं क्यों सोचूंगी अपने बारे में? आप सोचिए ना कि जलाल को आखिर कब तक घर दामाद बना के बिठाना है। या उसको तो इस बार मैं जूते मार मार के लेके जाएगा इधर से। उसका ऐसे लिवानी शेवी दिया का दिल तना। एक बार हमारा बच्ची का ये शादी का फंक्शन से हमको परागत हो जावे। ये तो आपका एहसान होगा पूरे खानदान पर। हाँ हाँ चाची ना, मुझे समझ में आ गई, लेकिन ये बता कि तुझे बताया किसने है मिठू और मैना के निकाह का? ये तीनों ने। अच्छा अब मेरी गाल जो है ना कान खोल के सुन ले। सीधा एंट्री ना तूने शादी हॉल में मारनी है, घर आने की कोई लोड़ नहीं है। नहीं आधा घंटा पहले भी नहीं आना, हमारे यहाँ पहले ही बहुत ज्यादा मेहमान आ गए हैं। हाँ जी हाई चाची नगीना, मुझे क्या है कि बिल्लो पानी में लस्सी मिला रही है, लस्सी में दूध मिला रही है, मेरे पास वक्त नहीं है बातें सुनने का। अच्छा मैंने तो तुझे बुलाना भी नहीं था, ये तो पिनों ने बुला लिया है। चल खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बीजान आपने देखी है, देखी है पिनों की फुर्तियां हैं। वैसे तो चाची नगीना से बनती नहीं है, और अपने बेटे के ब्याह का सदा भी दे दिया उसको, अब आ रही है चाची नगीना। अगर खबर है दादी, मैं जर्मीना गुल को जरा शॉपिंग पे लेके जाए। जी जी जरूर। चलो देखो बेगम, मुमताज बेगम आके बात करते हैं हम। जी जी जरूर जरूर जाइए। ठीक आते हम आते। बीजान जो दाजी है ना, ये मुझे किसी और ही दाव में लगते हैं। आपको ना इनसे ज्यादा फ्रैंक होने की कोई लोड नहीं है। अब ऐसी भी घास नहीं मैंने खोदी, तुम देखना शादी के अगले रोज कैसे मैं बोरिया बिस्तर गोल करके इनको रवाना करूंगा। आए बीजान आप इसी स्पिरिट के ऊपर ना मुझे प्यार आता है। आई लव यू। शाहना इतना मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि जिया और अरसल का किबला दुरुस्त हुआ कि नहीं? अरे बीजान उनके तो किबले मैंने ऐसे दुरुस्त किए हैं ना कि आप देखना सारी जिंदगी गले में बट पड़ जाएंगे, लेकिन इधर उधर नहीं देखेंगे। चलो ये तो अच्छी बात है। मैं जरा किंजा से पूछूं, पता करूं कौन सी फ्लाइट से आ रही है वो। हाँ ठीक है, मुझे भी जरा बड़े काम है, मैं जरा देख के आती हूँ। हेलो
बेटी जैसा दिल है तेरा, हर बात पे इस तरह रोना क्यों शुरू कर देती है? कौन सा कैलेंडर है? कौन सी बात? मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा क्या काटना था। मैं जो आगाजी ने दिया था एक महीने का। जिया मुझे तो कुछ ऐसा वैसा याद नहीं आ रहा, क्या कह रही है तू? ऐसे तो कुछ नहीं बोला रहा दाई जी। जिया कैलेंडर से इतना मसला हो रहा है तो उसको कहीं छुपा दे, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैंने छुपाया था, इसने फिर दोबारा टूट के लगा दिया। अच्छा तफा कर तू कैलेंडर, तू मुझे ना अपने दिल की बात बताओ, वो मेरे लिए ज्यादा अहम है, बता। दाई जी मैं ये रिश्ता खत्म किए बगैर भी तो जा सकती हूँ ना? कमलिए ये बात तूने मुझसे थोड़ी करनी है, ये तो तूने जाके सल्लू को बतानी है ना? नाराज है। देख जिया, मर्द चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, उसे जिद दिलाएगी ना तो वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। लेकिन उसने मुझसे वादा किया था दाई जी कि शादी के बाद भेजेगा। हाँ जिया जरूर किया था वादा, जरूर किया था वादा, लेकिन वादे याद दिलाने का और अपनी बात मनवाने का तरीका होता है। तू अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बता, पहले दिन से तूने उससे आधा नहीं लगाया, हर बात पे हर मौके पे उसे जिद नहीं दिलाई, उसे झगड़ा नहीं किया। देख जिया सल्लू पागल है, शदाई है, लेकिन तुझे अपनी मोहब्बत में रोक रहा है, तू भी मोहब्बत में अपनी बात मनवा लेती। प्यार से मोहब्बत से बात करेगी ना तो वो मान जाएगा, बात मनवाने के लिए अगले की बात माननी पड़ती है, अगले को झुकाने के लिए पहले खुद झुकना पड़ता है। तो आप में से तो किसी ने मुझे ये बात नहीं समझाई, बस मैं लड़ती गई, आप लोग मुझे डांटते गए मेरी हर गलती पर। चल चल, कसूर हो गया ना हमसे, अब बता रही हूँ ना तुझे, जा जाके मना ले मेरे सल्लू को। तुझे बता रही हूँ जिया, वो जबान का बहुत कौड़ा है लेकिन दिल का हीरा है मेरा बच्चा। जाएगा। देख लितरों की कमी होगी ना तो नहीं मानेगा, वो मैं पूरी कर लूंगी, लेकिन तू जाके उससे बात कर ले। मेरी एक गल हमेशा याद रखना जिया, बात करने से हर मसले का हल निकल आता है। बहुत अच्छी तुमसे ज्यादा अच्छी। सल्लू भाई आपके जैसा। मुबारक हो मिठू तुझे, कल तेरा निकाह है मैना के साथ है। एक एडवाइस करनी थी तुझे, लाइफ में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखी यार मिठू, हर्ट होता बंदा। तो जय जी नहीं आई ना शकीर पे चल के? मेरी मोहब्बत में कोई खोट था मिठू जो नहीं आई चल के यार। सल्लू भाई मैं अब बताता हूँ आपको, बेबी कहती है मोहब्बत को ना आजमाते नहीं है, क्या पता अगला बंदा किसी मजबूरी में हो। आप ऐसा करो, आप ना खुद इस लगी पे चलो, एक ही तो बात है। बात अब एक नहीं है मिठू। सल्लू भाई आ गई पंजाजी, मुबारक हो, मैं चला। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ जब दिलों में फासला हो जाता है तो दो लोग करीब होकर भी कितना दूर हो जाते हैं ना। असल याद है आपने मुझसे एक सवाल किया था कि जिया कभी तुमने सोचा है मैं तुमसे इतना क्यों लड़ता हूँ? हाँ तो? तो आज एक सवाल मैं भी आपसे करती हूँ, कभी आपने सोचा है मैं क्यों इतनी बदतमीजी करती हूँ आपसे, क्यों इतना लड़ती हूँ, क्यों इतना झगड़ती हूँ, क्यों इतना चीखती चिल्लाती हूँ? नहीं असल, प्लीज आज आज मुझे वो सब कुछ कह लेने दें जो शायद अगर मैं नहीं कहूंगी ना तो मेरी सांस रुक जाएगी। पता है मुझे आपसे मोहब्बत क्यों हुई थी? मुझे आपसे मोहब्बत ही सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे इस बात का यकीन था
के अरसल जमशेद अली से ज्यादा जिया नजाकत अली को कोई नहीं समझ सकता। ये सच है जिया। तो सच है तो फिर आपने शादी के अगले दिन ही क्यों मुझे मेरे ख्वाबों को पूरा करने से इनकार कर दिया? क्यों आपने मना कर दिया कि नहीं अजिया तुम लंदन नहीं जा सकते? एक लड़की हर चीज बर्दाश्त कर सकती है लेकिन मोहब्बत के नाम पर किए हुए वादों में बेईमानी नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस हरकत के बाद आप में और दूसरे मर्दों में क्या फर्क बचा? मैं क्यों हर्ट ना होती? मैं क्यों रिएक्ट ना करती? मैं कोई आम लड़की नहीं थी, ये बात आप जानते थे लेकिन शायद आप भूल गए थे। इस पूरे घर में हर किसी ने मुझे बदतमीज कहा, जाहिल कहा, गवार कहा, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी ने भी मेरे अंदर झांकने की कोशिश नहीं की कि इंसान जब अंदर से टूट जाता है ना तो बाहर से ऐसे ही चीखता है। आपने हमेशा मुझे अजिया नजाकत अली कहा और समझा भी, लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि मैं अजिया नजाकत अली नहीं, अजिया अरसल अली थी। आपने मुझे खुद एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां पर मुझे अपने करियर और अपने प्यार में से किसी एक चीज को चुनना पड़ता। क्यों? प्यार करता था यार मैं तुमसे जिया। तो अरसल आप तब की बात कर रहे हैं ना, मैं अभी की बात कर रही हूँ। ये थी ना वो लाइन, यही थी, ये ले, मैं इसे क्रॉस कर कर आ गई हूँ। अब खुश हैं आप? यार ये कैसी मोहब्बत है आपकी जिसके बीच में हमेशा आपकी अना आ जाती है। I'm sorry, जिया। असल मैं नहीं जाना चाहती हूँ यूके आपको छोड़कर। अभी भी क्या कैलेंडर पर डेट्स काटेंगे आप? और अगर काटेंगे ना तो सोच लीजिएगा कि उसके साथ साथ हम तुरो का दिल भी कटेगा और वो रिश्ता भी कटेगा जो हमारे बीच है, जिसके बगैर हम शायद रह सकते हैं लेकिन हमारी जिंदगियों में वो खुशी के रंग नहीं होंगे। क्यों खींची थी ये लाइन आपने? मुझे आजमा रहे थे हमेशा की तरह? नहीं यार, ये लकीर नहीं थी, मेरा यकीन था हमारी मोहब्बत पर, तो मैंने खुद को आजमाया था। अरसल ये बात समझ ले, अजिया नजाकत अली अरसल जमशेद अली के बगैर कुछ भी नहीं है। और मैंने जब जब आपको हर्ट किया था मैं उस सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ, कसम से, I'm really sorry, लेकिन प्लीज कभी भी खुद को मुझसे अलग करने की बात नहीं कीजिएगा। मैं नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती ऐसा। मैं वो एनवेलोप ही फाड़ दूंगी टिकट वाला, बस बात खत्म। बहुत देर हो चुकी है जिया। क्या मतलब? मेरा पैर। पैर क्या? मेरे पैर पे खड़ी हो गया। पैर पे खड़ी? I'm sorry, क्या बदतमीजी है? उस वक्त की खड़ी हो यार। असल में नहीं खड़ी, पागल, अंधी। फिर वही इरादा तेरी ना मिलने की, कर नहीं मिलना तो ये बहाना किस लिए? बड़ा खराब कर दिया। फिर वही इरादा तेरा ना मिलने का, कर नहीं मिलना तो ये बहाना किस लिए? लीवाने रुमैना गुलखान, रुमैना गुलखान। क्या है? मैं क्या, हम दोनों के ना निकाह से पहले मैं आपको आखिरी बार तोहफा ले दूं। तोहफा तो दो। वो ना मैं आपको शॉपिंग कराऊं। शॉपिंग के लिए बाहर नहीं जाने देगी घरवाली? मैना जी मैं बताता हूँ आपको, ऐ देखो अलकरम से ऑनलाइन शॉपिंग करो, जोड़े जोड़े पड़ो। मुबारक हो मिठू, तुझे कल तेरा निकाह मैना के साथ है। लाइफ में ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखी है मिठू, हर्ट होता मुझे। सुनो सुबुक्तगी। जी मैना जी। साथ शॉपिंग करे? मैना जी क्यों नहीं? ये जी मैना जी सब कुछ अच्छा है जो आपको पसंद है। थैंक यू। जोजी का टेलीफोन ही आ गया। हेलो, यस जोजी माय सन, हमारा अराइवल हो चुका है। या शादी हाल में आई कम विद लार्ज गिफ्ट्स एंड एवरी थिंग। ओके 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 ओके। मैं क्या, ये
बड़ी नहीं मैनू कदर नजर आ रहा। बेबे ये रंगीन चश्मा उतारेंगी तो नजर आएंगे ना। ओहो डोंट बी जेलस माई ग्लासेस। हो क्या गया तुम्हें? और वैसे भी यहाँ पे काफी एनी बॉडीज हैं मुझसे जेलसिंग होने वाली एनिमेज। चले मिठू और मैना को देख के आते हैं। ओके कैसी लग रही? थैंक यू। चश्मा उतार। चल ना आगे लग फाड़ इनको। ये मैं अच्छा तुम ना लगता उठा के जाऊं जरा।
मर गई। ये डशकरे कौन घुसा है हॉल के अंदर? दस बार रो रो ना दा, मतलब ये हमारा भाई है। डरो नहीं गुलखाना से। मैंने क्या डरना है मिट्टू, तेरे डरने की बारी आ गई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देख ले पुत्र ऐसे होते हैं भाई। दस अमो बची थी हाँ मिट्टू। आजो इधर आजो, कुछ आजो तस्वीर कुछ आ भाई। हां हां ठीक हो गया, चलो बैठो बैठो। केने केने थस केने माशाल्लाह टीचर उतर इधर आ जा मेरे पास है। अब ले वो तस्वीर। हां जी चलें। अस्सलामुअलैकुम भाभी, कैसी हैं आप? वो एक्चुअली मैंने आपसे सॉरी करनी थी वो युसरा वाली बात के लिए। अच्छा तो आप हैं यासिर और युसरा? आप शायद हुमा हैं, भाभी की बेस्ट फ्रेंड। जी ये हुमा ही है और सिर्फ हुमा ही है। आपके दोस्त वहाँ स्टेज पर, आप जा सकते हैं। क्या हुआ जी, कब से देख रही हूँ तुम्हारा मूड खराब है, सब खैरियत तो है? यार असल एनवलप नहीं दे रहा है टिकट्स वाला। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, जाना तो कर लेना, किसी भी वक्त ले लेना। नहीं जाना मुझे, यही तो तुम नहीं समझ रही हो। मैंने उसको सॉरी भी कहा लेकिन वो मान ही नहीं रहा। जिया जब जाना ही नहीं है तो फिर टिकट्स का क्या करोगे तुम? और सुनो टेंशन मत, तुम्हें पता है ना अरसल ज्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह सकता, अभी आ जाएगा। चलो ऑकिन से मिलते हैं। तुम जाओ मैं आ जाओगी ना?
वहाँ यार अभी रास्ते में जिया भाभी मिल गई थी मुझे। अच्छा हाथ पाँव तो सलामत है तेरे, बच गए, मुबारक हो। यार वैसे एक बात है, जिया भाभी की जो फ्रेंड है ना बहुत क्यूट है। उमा खोचल तू है किन चक्रों में? कुछ नहीं बस, लेकिन मैं चाह रहा था कि तू मेरा टंका सेट करवा दे। अच्छा तेरा अपनी सारी सेटिंग खराब हुई हुई है, तू तेरी सेटिंग। सोच ले फ्यूचर में मैं और हुमा ही काम आएंगे तुम दोनों के, वैसे भी लड़े बगैर तो तुम दोनों रहते नहीं हो। और हाँ जब सुलह सफाई के लिए हम दोनों को ही आना पड़ेगा, सोच। बात तो तेरी ठीक है यार। भैया काम कर जा और यासिर भाई और हुमा की पिक्चर बना जा। मैंने काम करने छोड़ दिया। ओए ओए सुन, कितना पोजेसिव है हुमा के नाम पे। क्या हो गया? मैं आ रहा हूँ। मिठू तू सोच ले हैं, विवाह के बाद तूने कभी भी मैना के साथ कोई उल्टी सीधी बात की ना तो इन सारे भाइयों ने मिलके ना तेरी मिक्स चटनी बना देनी है। आज तो छोड़ दे मासी, आज तो विवाह है मेरा। चल छोड़ दिया तुझे, पर सीना ना इतना चौड़ा करके ना बैठ मौलवी साहब आने वाले निकाह पढ़ाने के लिए है। आज तुम दोनों बड़े ही औसम लग रहे हो। मिठू लेट्स प्ले द है क्यों होता है, फासला रखो फासला रखो, अभी निकाह नहीं हुआ। ज्यादा खुशी है कि किंजा और शेरी आ गए। बहुत अच्छा किया बेटा तुम लोग जो आ गए, अगर हम ना आते तो मैंने हमें गोली मार दी। उसकी तो बातें ही हथियारों के साथ होती हैं। आगा जी इस बार हम आपको अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। अच्छा तो फिर अपनी बीजान से इजाजत ले लो, क्योंकि हम तब इनके रहम करम करेंगे। मियां मेरे कंधे पर रख के बंदूक क्यों चला रहे हो, अपने दिल से पूछो ना, अपने दिल की बात करो। हमारे दिल की अगर बात है तो मियां अब दो चार साल ही तो रह गए जिंदगी के, यही गुजर जाए तो अच्छा है, यही दफन होंगे मियां। हाय आगा जी मैं अर्चना और जिया से मिलता हूँ। मैं क्या बड़ी, मैं आपका नंबर जब भी डायल करती हूँ आप कोई उस पर रिस्पांस ही नहीं करते। मेरा मतलब है कि आप जो है मैं मिसकालों पर मिसकालें मारती रहती हूँ। खुदा ना खास्ता आपने मेरा नंबर कहीं ब्लैक लिस्ट में तो नहीं पा दिया? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, बिल्कुल। तो मैं जरा जाके जवाब तो देख के पता नहीं बॉडी का क्या इंतजाम किया। लिसन हाँ पर बेटा के साथ जरा हमसे चलिए, लड़ना झगड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं होती। यस पर लिसन मैं आता हूँ। ओके मैं क्या मुमताज जी, ये मेनू जिथे तक लगता है ना इस बिल्लो बांदरी ने ना बड़ी को ना मेरे अगेंस्ट कर दिया है। कहती हूँ जोजी को कि जोजी इसकी जो वागे हैं जरा टैट करके रखो खेस के, हैं पता नहीं कहाँ रह गया माई सन। हाँ उधर कहीं देखिए वहां पर होगा। ओके यू लुक चंगी
आप भी बहुत अच्छी लगी। ओह थैंक यू, जरूरी नहीं करती। विजय जी इधर मार। हाँ हाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ अकेले रहने की। तुम्हारा अपना डिसीजन था जिया। तो मैंने अपना डिसीजन बदल भी तो दिया ना अर्शद। कोई चीज जबरदस्ती नहीं करवा सकता मैं तुमसे जिया। असल प्लीज मुझे वो एनवेलप दो। नहीं दो ना यार, इतनी टेंशन दो। मिठू और मैंने का निकाह हो जाए सबके सामने दूंगा। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहती। ओके। निकाह कब होगा? हाँ वो मैं पता करके आती हूँ। है आप यहीं पर? आगा जी ये निकाह वाला कट्टा कब बंधेगा? है सारे मेहमान मुझे बार बार पूछ रहे हैं। तो जब शेज़ और नज़ाकत इनको लेकर आने था पता नहीं कहाँ रह गए। आप फोन करके चेक करें ना। आगा जी करें, जल्दी करें ना, पता करें। हाय छड़ो। क्या बात है, तुम बहुत छणक रही हो। क्यों जो जी है, क्यों ना छणकू मैं? और ये जो 1000 वाट का बल्ब लेके तू अपने साथ फिर रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है? और ये MBW है, most beautiful wife को बल्ब बल्ब नहीं है। जो जी जी। हाँ जी। जेलस हो रही है हमेशा की तरह। हाँ जी होने दियो। अरे मैंने क्यों जेलस होना है? आगा जी मैं नज़ाकत और जमशेद को देख के आती हूँ। जेलस। क्या जहान? तेरा मालूम करो मसला क्या हो गया है? अभी तक मौलवी साहब क्यों नहीं आए? मैं देखता हूँ जाके, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा किया तो तुम लोग आ गए, बहुत खुशी हुई है। जी सानू भी बड़ी खुशी हुई है, ताड़ी मेहरबानी जी। पास्ट करो पास्ट। पोप फरतम पोप। देते कर जी। आए पुत्र इसी दिन दा इंतजार से चल कर फिर। जी बहुत मुबारक हो, जाना आपको बहुत मुबारक हो, आपने एक और शादी करा बात बिल्कुल तेरी सही है, पर याद रखना अगर इसने मैना के साथ कोई हैंगी पैंगी की ना तो उसके 6 भाइयों ने ऐसे धोना है जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े स्पिन होते। और रहने दो, अल्लाह ना करे किसी ने भी मैली अक से देखा ना मेरे पुत्र को, तो डेले काट के गीटियां खेलनी है मैंने। भाई मुबारक हो परवीन, बस ध्यान रखना मेरे ससुराल का मामला है ना। ओ मसूमा तेरे वट्टे में मैंने नहीं की अपनी पुत्र का ब्याह है, तू अपना आप ध्यान रखी। वो जो कर्ज रखते थे जान पर है? वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब चुका।
धन्यवाद। मेरी तरफ से भी ना खाता ना क्लियर समझो और हूँ सुधर जाओ जलाल भाईयान है। खैरी सलाह तो भी नाना बनने जा रहे हो। कोई झूमर होता है, कोई खुशी होती है, बहन का ब्याह हुआ है तुम्हारी।
अरे मुमताज जहां हर खुशी के मौके का मुनासिब नहीं होता। बस अल्लाह मेरे बच्चों की खुशियां सलामत रखे। बीजान वैसे एक बात तो मान गया आपकी अच्छी। क्या बेटा? कि जो खुशी रिश्तों को निभाने में और सबको साथ लेके चलने में, वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। पता नहीं क्यों तुम अपने खानदानी निजाम से कट कर अपने अपने डेढ़ इंच की मस्जिद बनाना चाहते। अरे मियां इतना ना सोचो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या बात है, क्या हो गया? क्या नवा खट्टा खुल गया? क्यों रो रही है जिया बेटा? खुशी के मौके पर रोया नहीं करते, नहुसत होती है। बेटा पता तो चले हुआ क्या है, क्या फिर इससे लड़ाई हुई है तुम्हारी? पहली बार इतनी आला सुना हुई है। हमको छोड़ के नहीं जा सकती, किस रुस्ते फादर को छोड़ के नहीं जा सकती। मैं दिल के बगैर नहीं रह सकती। अब जिया देखो, बुजुर्गों के सामने ऐसी बातें नहीं करता। चाची मत डांटे इसे, कल वैसे भी हमें छोड़ के जा रही है। मुझे नहीं जाना है। वो टिकट वाला लिफाफा मुझे निकाल के दे, जो आपने कब से छुपा के रखा हुआ। ताई जी इन्होंने कब से मेरा लिफाफा छुपा के रखा हुआ, टिकट का मुझे देते ही नहीं है। इनको बोले मुझे दे। सलू पुत्र है, क्या है ये जो तूने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ ना मेरी नूह को रुलाने का, इसे फौरन कैंसिल कर, वरना मैंने बोरी पे बांध करके तुझे समंदर में फेंक देना। ये भी नहीं सोचना कि तू मेरी इकलौती औलाद है। दे लफाफा इसको। अम्मा अजीब बात है, पहले हम सबको टांगा बता के करियर बनाना करियर बनाना, अब जब भेज रहे हैं तो रो रो के बुरा हाल बनाया हुआ है इसने। ये ले एनवलप, इसे के खोले। डीजे दो। ओए अरे बस एक मिनट खलो जा जिया पुत्र। ध्यान से जिया, कहीं ऐसा ना हो कि इस लिफाफे में आतिशगीर मादा हो। ओ बिल्लो तेरी मौजूदगी में ना कोई भी आतिशजदा मादा टिक नहीं सकता इत्थे। हैं तू किसरा भी ले है, अपनी टंग को ना जरा कंट्रोल में रख पीनो। अब तेरे भी खैर से ना नो आने वाली है, फिर तेरा भी डाउनफॉल समझो शुरू शुरू है। और उस तो पछतो ही नहीं आती। हमारा ससुराल को बरमबाजी और ड्रामेबाजी का बहुत शौक है दाजी। और वो जो हार्ट अटैक का बहाना था वो ये कौन सा जाली हार्ट अटैक किसको हुआ? जनाब ऊपर को हुआ था ड्रामे वाला हार्ट अटैक, आपको पागल बना रहे थे ये। अच्छा बस दरिया खान, ज्यादा ठाठे मारने की जरूरत नहीं है। अपने घर जाकर बेशक इसके तिक्के बना लेना, मगर यहाँ पर ऐसा तमाशा ना करो। द खजत दी खना द डेर ने खजत, ये जन्नती खातून ने खोरत है कबाब, मैं कभी नहीं ढाल सकता है। जन्नती औरत तू तो जन्म ही है जन्नती का बच्चा है, पर तुम्हारा दामाद हमको बहुत अच्छी लगी है जलाल खाना। हमको भी अच्छे लगते थे जी। अच्छा इधर आओ, सलामी वलामी नहीं लेगा हमसे? इधर आओ यार। हम अपने कट्टे बांध ले, फिर आप अपने कट्टे खोलना, ठीक हो गया? मेरी बहू का मसला तो हल हो जाए। अम्मा इसे खोले ना एनवेलप। हाँ चल खोल लफाफा। क्या खोलो? क्या है, क्या है इसमें? अंग्रेजी
क्या है डीजे? I love my wife. I can't live without you. अम्मा इसे कहें कि ये अगर अपना करियर अपना बचपन का ख्वाब मेरे लिए छोड़ सकती है तो क्या मैं नया पासपोर्ट और वीजा नहीं ले सकता? मैंने क्यों कहना है, तूने अभी जबान की जीत दिखाई दी और तुम दोनों जो ना कान खोल के मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं लड़े ना तो सीधा जेल में जाओगे, हम नहीं आएंगे 2-2 लाख रुपए के टिकट खर्च करके तुम्हारी जमानत कराने के। चलो मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को समझते हैं, ठीक है? यहीं रहना, कहीं जाना मत, ठीक है? मैं आ रही हूँ। वैसे खूब साथ दिया आपने जिया भाभी को। क्या मतलब? मैं भी बहुत अच्छा साथ निभा था। मेरा मतलब बेशक आप अरसल से पूछ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मेरे ख्याल में हम दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। अगर आप इस बात पर थोड़ा गौर करें। सोच लूंगी। सर कमो बच्चे क्यों ना बच्चे क्यों ना डाल सा क्यों ना डाल कि मैं एक बात का एहसास हुआ। वो क्या? दाजी का सर का कसम, तुम एक जन्नती औरत है। जन्नती? खैर तो है जलाल, कुछ और तो नहीं हो गया? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है। तुम सामान हम कल ही खबर चेगा और तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से रहेगा, जैसा हमारा दामाद हमारा बेटी के साथ रहता। शुक्र है आपको एहसास तो हुआ। अभी अब अजी जिंदा होते ना तो कितना खुश होते। हाँ खना देर खस्ता कारी दे खस्ता सर डेर डेर अमीना को। इसका मतलब पता है तुमसे बहुत प्यार करते। छोड़े ना जरा, तुम्हारे लिए गाना लेकर आए। तेरा ना खर्जल खोली तेरा हंसता रहना। मैं जमशेद साहब कह रही सन ना, ये काम भी जो है हमारा जो है बुक गया है, बिल्कुल सही हो गया सब कुछ। अच्छा ना भाभी, मेरा आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना। आपने जिया की इतनी गलतियों को ना दरगुजर कर दिया, बहुत अच्छी है।
तो कुछ अरसा बी जान ने मुझे बड़ा टफ टाइम दिया था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि जब मेरी नूह आएगी ना तो मैं उसे इंसान होने का मार्जिन जरूर दूंगी। बस इसलिए तुम्हारी इन चंद खूबियों की वजह से तुम्हारी बहुत सी बातें हैं दरगुजर करता जा रहा। देखा, कर दी ना मर्दों वाली बात। मर्दों का ना ये इज्तिमाई मसला होता है कि जहाँ भी बीवी की तारीफ हो वहाँ पे चुड़प्पा मार के ना बीच में आ जाओ कि हमारी तारीफ करे। अच्छा खैर, मैं पीनो के साथ सेल्फियाँ खिंचाने के लिए जा रही हूँ, कल जा रही हूँ गुजरात। नहीं नहीं, इनकी मेडिसिन मैंने रखी हुई है बैग में, वो पहले उसका टाइम हो गया, हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या है ये? मेरी मोहब्बत का सबूत मेरी प्यारी सी चंदा की। लेकिन आपको सूझी क्या थी? मैंने सोचा अगर तुम अपनी जिद कर देंगे तो मैं भी मान जाता हूँ। घर तो ऐसे मस्त रहना जिया। लेकिन एक बात का गिला जरूर है, तुमने भी मुझे आम मर्दों की तरह ट्रीट किया। शादी के अगले दिन कौन बर्दाश्त करता है जुदाई की बातें? कौन लगाता है ऐसे जिद? मैंने तो अपनी जिद को भी छोड़ दी थी जब मेरे दिल ने मेरे दिमाग से मिन्नत की कि मत जाओ। मैं खुद से बहुत लड़ रही थी अरसल, I'm sorry। बस अब सब भूल जाओ और अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी ग्रेजुएशन के फौरन बाद हमें वापस आना है। थॉट करें सबके बीच में। इंशाल्लाह। और एक और बात बताओ, तुम्हारे अलावा ये सब जानते थे कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ? नहीं करो। एक बार एनवेलप खोल कर तो देखती, सही ना टफर सारे के सारे से। सबने बेवकूफ बनाया मुझे, कोई मसला नहीं, आज देखना घर जाकर एक को भी नहीं छोड़। कौन चाहते हैं कि मुझ समेत किसी को भी ना छोड़ो? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। माय प्लेजर। आई लव यू टू। अगर रोमांस खत्म हो गया तो आ जाएं आप लोग भी। जिया और अरसल का टॉम एंड शेरी शो अभी यहीं पे खत्म हुआ जाता है। हम लोग आप लोगों से जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। सो सुनो चंदा की फैमिली को आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना है। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। सुनो चंदा, कहो चंदा, कहा